एवन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। बहुत जनों के कमेंट और मैसेज आते हैं कि आप बकरियों के लिए खेतों के अंदर क्या बोते हो और क्या खुराक होती है बकरियों की। तो भाइयों, हमारा कहना यह है कि हम जो खिलाते हैं फूल और मक्की के सीजन में मक्की खिलाते हैं, और जों के अंदर हमने सिरसों डाल रखी है, देख लीजिए बहुत सारी सिरसों डाल रखी है। तो सिम भाई, हाँ भाई, इसके अंदर आप जैसे ये छोटे छोटे से दवाई जैसे कीड़े लग रहे हैं, हाँ तो इसके अंदर आप दवाई छाटते हो क्या? हाँ दवाई छाटते ना, हाँ, तो अगर दवाई नहीं छाटे तो फिर इसका फल नहीं लगते। फल नहीं लगते है ना। हाँ फिर इसको इसके दाने, इसके मतलब दाने नहीं आते सिसु के, सिसु के दाने नहीं आते। ये छोटे छोटे ये ना, ये इसके दाने वाले ही है। दाने तो अपन को इसके अंदर भाई साहब, जैसे अभी ये कीड़े लग रहे हैं, देख लीजिए एक बार पास में लेके दिखा देता हूँ, एक बार ये कीड़े लग रहे हैं, तो इस कीड़ों के लिए अपन को दवाई का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपन को दवाई छाटना है, और खेतों के अंदर जो थोड़ा बहुत जो चारा रहता है ना, जैसे ये चारा दिख रहा है, इस चारे को पाड़ लेना चाहिए, पाड़ के भैंस को या बकरी को खिलाना चाहिए। और देख लीजिए डांगी आ चुकी है, जैसे फल लग चुका है, और अदरवाइज अगर 2 महीने हो या तुम 1.5 महीना निकालेगा, तो इसके बाद में अपन अपने बकरियों के लिए जो रेडी हो चुके होंगे। और अब बहुत मेहनत भी लगती है अनाज उगाने में। और भाइयों, खास करके एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आपको, हमारे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए और हमारे लिए बोर लगते हैं, तो हम इस पैसे तोड़ के खाते हैं। बहुत सारे बोर लग रहे हैं, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए बोर लग रहे हैं। और भी अभी के लिए बहुत शानदार चीज एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, बकरियों के लिए। तो सिम भाई, हाँ भाई, मेथी अब कब चालू करेंगे बकरियों के लिए? हम मेथी 10 दिन के बाद चालू करेंगे। 10 दिन के बाद चालू करेंगे? अभी हाल पूरी पकी नहीं है। पूरी पकी नहीं है? हाँ। तो मेथी की फली आ चुकी है, एक बार फली दिखा दीजिए। ये फली है, पर इसका हाल ये पूरी नहीं पकी है। पूरी नहीं पकी है? हाँ। तो सिम भाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इससे कितना मतलब अपन को फायदा मिलता है और इससे क्या मिलता है अपन को, एक बार आप हमको जानकारी दे दीजिए। बहुत फायदा मिलता है, बकरी खाती है तो फिर बाद में अगर थोड़ा बहुत अगर भूख भी लगती है ना, फार्म पाती बकरी, तब खिलाने के इसको इसको नाकते हैं, इसको नाकते हैं। तो इनके लिए रचका भी वहाँ मिला है, बकरियों के लिए रचका भी बाहर रखा है। रचके की वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो के बाद में अपलोड करूँगा, आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, तब आपको समझ आएगी कि बकरियों के लिए सबसे ज़्यादा खुराक में क्या करना चाहिए अपन को। देख लीजिए हमने बकरियों के लिए बहुत प्रकार की फसल उगा रखी है, और ये मेथी हमने कम से कम अलग अलग कर करके हमने इस वाला अगले खेत में भी है और उसके अगले वाले खेत में अलग अलग करके हमने कम से कम 5-7 बीघा में बकरियों के लिए खुराक के लिए हमने बहुत मेहनत की। इस मेहनत के लिए भाई एक लाइक और फॉलो तो बनता है भाई, और सब्सक्राइब करना भाई ना भूले, और आगे शेयर कीजिए भाई। देख लीजिए अभी मेथी, भाई का कहना यह है कि 10-15 दिन के अंदर चालू हो जाएगी मेथी, और कहीं कहीं पे सिरसों भी डाल रखी है। अगर ये नहीं खिलाएंगे तो बकरी कैसे पालेंगे? हाँ भाई, ये भी सही है। देख लीजिए मेथी एक नंबर है, और इस खेत में भी क्या है तोसीम भाई? इसमें गेहूँ भी है, इसमें बकरों को भी खिलाने के लिए भी है और घर में भी काम लेंगे। देख लीजिए भाई, बहुत ढेर सारे खेत में धान उग रहा है, और आगे जहाँ तक अपनी नज़र जाए, जहाँ तक अपने ही खेत है। और ये बम्बू जब अपने कब काम आएगा, गर्मी में इसके ऊपर से पापड़ियाँ लगेगी, तब पापड़े खिलाएंगे, तो बहुत फायदे वाली चीज़ है। पापड़ियों के लिए तो इसको काटते भी नहीं है, पापड़ियों के लिए इसको काटते